आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब यहाँ पर कहता है लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहाँ पर हमारा क्या है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बी, बी टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पर समझना है कि नॉन जीरो और नॉन पैरेलल, तो यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो और वो पैरेलल एक दोनों पैरेलल नहीं हो। एंड लेट थीटा, यहाँ पर क्या है, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम सच दैट, जो थीटा आप लोग का लाइन कहाँ से हो, ये यहाँ पर देखिए पाई है, यानी जीरो से वन पाई के बीच में हो, तो कि जीरो या पाई हो जाएगा तो आप लोग का देखिएगा वो क्या होगा, एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक फिगर है यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, एक वेक्टर क्या है बी और एक वेक्टर दूसरा क्या है ए, और दोनों के बीच में ये एंगल आपका क्या है वो थीटा है। और यहाँ पर देखिए एक तीसरा वेक्टर है जो एन कैप, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो बी पे भी परपेंडिकुलर है और ए पे भी परपेंडिकुलर है। तो देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और का पूरा प्रोडक्ट देखिए क्या है एन कैप, और एन कैप वहां क्या है वेयर एन कैप इज द यूनिट परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यूनिट परपेंडिकुलर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसका आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो वन आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एन जो है क्या है दोनों पे परपेंडिकुलर है, किस किस पे है, तो वेक्टर ए पे है और वेक्टर बी पे है, और इस तरह से थीटा का दोनों के बीच में एंगल है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी टू वेक्टर्स है, तो क्रॉस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का होल इनटू एन कैप, और जहां एन कैप हमारा क्या है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो आपको ध्यान होगा अगर आप सारे वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो डॉट फाइंड आउट करने के लिए हम बताए थे, और उसके बाद थीटा निकालने के लिए क्वेश्चन दिए थे, तो जिसमें हमारा था ए डॉट बी इक्वल टू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, या कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर डॉट के जगह पर क्रॉस है और यहाँ cos थीटा की जगह पर sin थीटा है, और का होल इनटू n कैप है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो जिस तरह से उस में हम डॉट निकालने के लिए अलग से बताए थे, तो क्रॉस निकालने के लिए यानी a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट सीखना होगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट आप सीख जाइएगा तो बहुत आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर यानी 2x2 और 3x3 का डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट हम बताते हैं, और दो चार क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2x2 तो बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा, तो चलिए पहले 2x2 का हम बताते हैं, फिर आपको बताएंगे 3x3 का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, और ये दोनों जब आप सीख जाइएगा तो आप आसानी से ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो ए क्रॉस बी हम लोग आसानी से फाइंड आउट करें, उसका इंटरमीडिएट क्या है डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट हम अगर सीख लेते हैं तो बहुत आसानी से कभी भी किसी भी दो वेक्टर का हम क्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट।
देखिए डिटरमिनेंट से आपको कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोग को डिटरमिनेंट जानने की आवश्यकता है कि ये कैसे वर्क करता है, इसका कैसे रिजल्ट आता है। तो मान लेते हैं कि a इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2, 4, 6, 3। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो आप लोग को करना क्या है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है और इस तरह से, यानी पहले ऊपर से नीचे आता है फिर नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साइन हमारा हट जाएगा, पहले 2 क्रॉस 3 ये हो गया, फिर माइनस 6 क्रॉस 4। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट और उसके सामने जो है उस एलिमेंट को लेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन होता है, ये हमारा इसका प्रॉपर्टी है, यानी 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पर से फिर जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा माइनस साइन देंगे, फिर ब्रैकेट लेंगे, फिर 6 यानी पहला का उसके नीचे वाले एलिमेंट को लेंगे, उसके क्रॉस में सामने देखिए कौन है 4। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 माइनस कितना हो गया 24। तो ये हमारा कैलकुलेट करके कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। मान लेते हैं b हमारा वैल्यू दिया हुआ है 2 - 3 - 4 और - 2, साइन कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी वैल्यू प्लस में और माइनस में हो सकता है, उसके आपको ध्यान नहीं देना है। तो जब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर से हम लोग फाइंड किए थे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a पढ़ते हैं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ b पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2 × क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर माइनस क्या होता है जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 4 × -3। यहाँ पर जो भी आप लोग का ध्यान देना है वो प्लस माइनस पे ध्यान देना है। तो हमारा देखिए जो मेथड है 2 क्रॉस 2 का, यहाँ पे जो होता है हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, यहाँ भी देखिए हम निगेटिव दिए थे, और बाकी जो आप लोग का वैल्यू में प्लस माइनस है उसके अनुसार आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 - और यहाँ पर क्या हो जाएगा -12। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 + -, तो आपका क्या हो जाएगा ये 12, तो यहाँ पर से क्या है 8। तो प्लस माइनस में आप लोग का मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो यही चीज आप लोग को देखना है कि मिस्टेक नहीं हो। तो 2-4 क्वेश्चन हम इसके आपको दे दे रहे हैं, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और जब आप इसको सॉल्व कर लें तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें, जिससे हमको पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो 2 क्रॉस 2 में तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन है सॉल्व द डिटरमिनेंट्स। तो आप लोग का पहला है a इक्वल टू 2 - 3 = 6 4, b आपका हो जाएगा -2 - 3 = 4 1, c इक्वल टू डिटरमिनेंट 0 - 4 - 6 - 2, और एक डिटरमिनेंट और दे दे हम लोग का 0 0 1 6। तो ये चारों डिटरमिनेंट आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद सारे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में एक एक करके पोस्ट करेंगे कि a का इतना, b का इतना, c का इतना और d का इतना। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ ये जो पार्ट्स आएगा वो क्रॉस का इंटरमीडिएट में आएगा, लेकिन आप लोग का जो एक्चुअल आप लोग का क्रॉस जो पहला पार्ट जो दिखेगा वो 3 क्रॉस 3 का दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग 3 क्रॉस 3 पे चलते हैं, यानी थर्ड ऑर्डर पे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कह सकते हैं इसको, और इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे।
हार्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब हो गया कि उसमें नंबर ऑफ रो 3 होगा और नंबर ऑफ कॉलम 3 होगा। और डिटरमिनेंट में हमेशा देखिएगा ये स्क्वायर में ही रहेगा, यानी जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो 3 क्रॉस 3 के लिए सबसे पहले आप लोगों को हम एक मेथड बता देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो आप लोग का है रूल्स है। जैसे 2 क्रॉस 2 में हम लोग बीच में जो है इंटरमीडिएट में माइनस देते थे जब नीचे से ऊपर जाते थे, तो इसमें आप लोग का टर्म नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होगा, इसलिए आप लोग का ध्यान रखिएगा पहला जो होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, तीसरा होगा प्लस, ये हमारा रूल्स है। क्योंकि डिटरमिनेंट हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व अरे कहीं से भी किसी भी साइड से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, सारा का वैल्यू सेम आता है। क्योंकि अगर ये तो ज्यादा डिटेल्स में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो डिटरमिनेंट पढ़े लेकिन भूल गए हैं, या फिर कह सकते हैं जो कभी पढ़े ही नहीं है। तो उस रूल्स को याद रखिएगा, आपको बस इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस। अब एक छोटा सा डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं a इक्वल टू 2 1 3 4 2 1 1 5 2। अब यहां पर यही आप लोग को क्रॉस में मिलेगा, इसी तरह से आप लोग का डिटरमिनेंट मिलेगा और इसको सॉल्व करना है। तो अभी जो हम इसके पहले बताए थे वो पहले वैल्यू लिखाएगा। तो यहां पर से अगर हम लोग डिटरमिनेंट को फिर लिखते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप लोग का 2 पहला वैल्यू लीजिए और उसके बाद इस तरह से लिख दीजिए। फिर दूसरा वैल्यू देखिए यहां पर क्या था, पहला में प्लस तो 2 क्या क्या हो गया प्लस, फिर यहां पे माइनस, फिर सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद 3 क्या क्या होगा प्लस, तीसरा में क्या होता है प्लस। अब यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो बीच का जो वैल्यू है उसमें क्या होगा उसको ध्यान देना है। सबसे पहले आप 2 लिए तो 2 का रो और 2 का कॉलम छोड़ दीजिए। आपके पास क्या दिख रहा है, 2 यूज किए हैं, तो जिसका यूज किए हैं उसका ये पूरा और उसका वो नीचे वाला वैल्यू को हटा दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है 2 1 5 2, तो यहां पर लिखिए 2 1 5 2, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद क्या लिया 1, तो 1 जब हम लेंगे तो ये पूरा 1 का ये और ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब 1 यूज करेंगे तो उसका रो और उसका कॉलम, यानी उसका पूरा रो और उसका पूरा कॉलम छोड़ देना है। तो क्या बच गया 4 1 और 1 2, यही ध्यान देना है 4 1, यहां पर देखिए 4 1 1 2। अब 2 के बाद 1 का कंप्लीट हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग 3 यूज करेंगे, यहां पर क्या हुआ 3, तो 3 का पूरा ये हो गया रो और इसका पूरा हो गया कॉलम खत्म। तो ये पूरा कंप्लीट छोड़ देना है और ये पूरा कंप्लीट छोड़ देना है, बचा क्या 4 2 1 5। तो यहां पर क्या लिखाएगा 4 2 1 5। अब देखिए आप लोग का ये छोटा वाला अभी तुरंत आप लोग सीखे हैं, तो यहां पर से आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 लिख दीजिए और यहां पर से वैसे इस तरह से ब्रैकेट दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 into 2 minus 5 into 1 minus 1 4 into 2 minus 1 into 1, फिर प्लस 3 4 into 5 minus 1 into 2। तो ध्यान रखिएगा एक बार नीचे दूसरा बार ऊपर, एक बार नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर, और ऊपर जाएंगे तो पीछे हमारा क्या होगा माइनस। तो अब यहां पर से देखिए 2, अब ये हमारा क्या गया 4 minus 5 minus 1 8 minus 1 plus 3, कितना हो जाएगा 20 minus 2। अब यहां पर देखिए इनटू होता है, 2 इनटू क्या बचेगा माइनस 1, फिर माइनस 1 इनटू 7
प्लस 3 इनटू यहां पे क्या हो जाएगा 18। अब यहां पर से 2 ये -2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा -7 प्लस 4 54 हो जाएगा। 7 और ये क्या हो जाएगा लास्ट में देखिए -9 यानी आपका -9 प्लस 54। तो अगर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए 54 माइनस 9 कितना आता है 45। आपका क्या आ जाएगा 45। तो ये हमारा प्लस में आ गया। तो इस तरह से हम लोग 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन अगर कहीं पर मिस्टेक होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा चूंकि हम बताने पर ज्यादा ध्यान देते हैं इसलिए हो सकता है कि कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है। तो यहां पर उम्मीद है कि आप लोग को 3x3 का समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखते हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और पढ़ने पर थोड़ा सा फोकस अगर आप करते हैं हर प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा ओरली बनाने का कोशिश कम कीजिएगा, कॉपी पर लिखकर बनाइएगा और उसके बाद आंसर को पोस्ट कीजिएगा, नहीं तो गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। A=1, 2, 3, 0, 4, 0, 6, 0, 1। यहां पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग दो वैल्यू को माइनस देते हैं, ये माइनस या कहीं भी अभी माइनस हो सकता है, आपका जो रूल है उसी रूल के अनुसार चलना है। सबसे पहले यहां पर 1 के जगह हम लोग 3 रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी पता चले आप लोग को। तो यहां पर से सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 पहला वैल्यू अगर हमारा क्या है प्लस, तो यहां पर से दो लाइन बाकी छोड़ देंगे। यहां पर 2 है तो यहां पर सेकंड में क्या होता है माइनस। अगर ध्यान दीजिएगा अगर यहां पर माइनस होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ध्यान रखिएगा। अगर बाई से यहां पर हम लोग इसको माइनस लेते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और उसके बाद दो लाइन लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद माइनस 3 है, अब देखिए ये प्लस 3 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तीनों वैल्यू को हम लोग लिख दिए। अब यहां पर से ध्यान देंगे अगर इसको हम लोग हटाते हैं और इसको हटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 4, 0 और 0, 1। तो यहां पर लिखिए 4, 0, 0, 1। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड वैल्यू हमारे यहां पे है तो इसको हम लोग यहां से मिटा देंगे। जिस वैल्यू को लेंगे उसका रो और उसका कॉलम का वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, तो जब 2 लेंगे तो 2 का देखिए ये हमारा क्या हो गया पूरा रो और उसका कॉलम क्या हो गया ये, तो यानी ये यहां से खत्म और ये यहां से खत्म, तो क्या बच गया 0, 0, 6, 1 यानी 0, 0, 6, 1। अब देखिए 2 कंप्लीट हो गया, जब 2 कंप्लीट हो गया तो लोग 3 पे आएंगे तो 3 का फिर पूरा रो और उसका पूरा कॉलम छूट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, 4, 6, 0 यानी 0, 4 और 6, 0। तो अब हम लोग नॉर्मल यानी 2x2 का डिटरमिनेंट आ गया तो 3 लिखेंगे और यहां पर से क्या करेंगे 4 × 1 − 0 × 0 − 2 0 × 1 और हमारा क्या हो जाएगा −6 × 0 − 3। सबका ध्यान रखिए उल्टा क्रॉस चलता है, आप ये साइन कोई जरूरी नहीं करते 0
इंटू जीरो माइनस सिक्स इंटू फोर। अब यहां पर से देखिए आपका हो जाएगा फोर माइनस जीरो माइनस टू, यहां से क्या हो जाएगा जीरो माइनस जीरो और माइनस थ्री इंटू जीरो माइनस ट्वेंटी फोर। तो यहां पर से फोर में से जीरो जाएगा तो आपका क्या होगा फोर होगा, तो ये हो गया थ्री इंटू फोर माइनस टू इंटू जीरो और माइनस थ्री इंटू माइनस ट्वेंटी फोर, तो ये हो गया ट्वेल्व, ये हो गया हमारा जीरो। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेवेंटी टू, यानी ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा ट्वेल्व प्लस सेवेंटी टू यानी फोर एटी फोर। तो इसका डिटरमिनेंट जो आप लोग आ गया वो क्या हो गया एटी फोर आ गया। कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक है तो आप लोग भी एक बार जरूर ध्यान देंगे। अगर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तभी आंसर रॉन्ग होगा, अदरवाइज आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप लोग टू क्रॉस टू का भी देखें, थ्री क्रॉस थ्री का भी देखें, अगर ये दोनों आप अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हैं तभी जाकर आप क्रॉस यानी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके प्रैक्टिस के लिए दे दे रहे हैं जिसका डिटरमिनेंट आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। जहां पर नेगेटिव साइन दिए हैं वो आप लोग वैल्यू को ही नेगेटिव लिखिएगा और बाकी जो रूल्स के अनुसार होता है उसको आप कीजिएगा। अगर ये चार क्वेश्चन आप सही से ही बना लेते हैं किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होता है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसका नेक्स्ट क्लास में आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दें। लेकिन आपको ये तभी समझ में आएगा जब पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, हो सकता है कि एक से ज्यादा बार देखने की आवश्यकता हो, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे क्लास में हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ये इसका क्या था इंटरमीडिएट था जो आपको हम बता दिए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।